मैजिकल जायंट मैंगो बाइक रोबोट। रोशन अपनी बाइक से जंगल के रास्ते से शहर जा रहा था कि बीच में ही एक पत्थर से वो टकराते हुए बाइक से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसकी बाइक का बहुत नुकसान हो जाता है। ये देखकर वो कहता है, अरे ये पत्थर बीच रास्ते में कहां से आ गया? कितना नुकसान हो गया मेरा अब। रोशन उस पत्थर को दूसरी जगह उठाकर रखने के लिए उसे हिलाने लगता है। वो पत्थर बाजू हटाकर अपनी टूटी हुई बाइक लेकर रोशन अपने इंजीनियर दोस्त विकास के पास जाता है। लेकिन उधर पत्थर हटाने के बाद वहाँ पर जो गड्ढा बनता है उसमें से एक शैतान बाहर निकलता है और वो उसी गांव के अंदर आता है जहाँ रोशन जाता है। रोशन अपने दोस्त विकास के पास जाकर बाइक कैसे टूटी ये बताता है। तब विकास कहता है, ठीक है रोशन, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे बाइक को पूरी तरह से अच्छे से रिपेयर करता हूँ और जब तुम इसे वापस लेने आओगे तब देखना तुम भी चौंक जाओगे। ऐसा कहकर विकास रोशन की बाइक को रिपेयर करने लगता है और उसमें नए फीचर्स डालकर उसे नया बाइक रोबोट बनाता है। दूसरे दिन जब रोशन अपनी बाइक लेने आता है तब विकास उसे उसकी रोबोट बाइक दिखाता है और उसे एक रोबोट को ऑपरेट करने वाला रिमोट भी देता है। ये देखकर रोशन कहता है, अरे वाह विकास, तूने तो सच में चमत्कार कर दिया, इस बाइक से तो मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। रोशन अपनी बाइक को लेकर घर चला जाता है। रात का समय होता है, सभी गांव वाले गहरी नींद में होते हैं कि तभी वो शैतानी साया रोशन के रोबोट बाइक में समा जाता है और बिना रिमोट के ही वो बाइक रोबोट में बदल जाती है और गांव में तबाही मचाने लगती है। तभी इस तबाही की आवाज सुनकर लोग जाग जाते हैं और देखते हैं कि रोशन की वो बाइक रोबोट घरों को तोड़ रही है। सारे लोग रोशन के घर जाते हैं और उसे आवाज देने लगते हैं। आवाज सुनकर रोशन बाहर आता है और कहता है, अरे क्या बात है, क्या तुम गांव वालों को नींद नहीं आ रही है क्या? कम से कम मुझे तो सोने दो। ये बात सुनकर एक गांव वाला कहता है, अरे बेवकूफ, जरा अपनी आंखें खोलो और देखो तुम्हारे रोबोट ने क्या तबाही मचा रखी है गांव में। ये बात सुनकर रोशन चौंक जाता है और अपने घर में बाइक को ढूंढने लगता है, लेकिन बाइक वहां पर नहीं रहती। तब वो घर के बाहर आकर देखता है तो गांव में तबाही मचा रही रोबोट बाइक उसी की रहती है। उसको यकीन हो जाता है कि गांव वाले सच कह रहे हैं और वो सोचता है, अरे लेकिन ऐसे कैसे, ये मेरी रोबोट बाइक बिना रिमोट के चल रही है। पूरे गांव में तबाही मचाने के बाद वो रोबोट बाइक जंगल के तरफ चली जाती है। दूसरे दिन वो अपने दोस्त विकास के पास फिर से जाता है और उसे सारी बात बताता है। तब उसके ध्यान में आता है और विकास कहता है, अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, फिर भी ठीक है, चलो उस रोबोट के पीछे अभी निकलते हैं। ऐसा कहकर विकास और रोशन दोनों मिलकर जंगल अपनी रोबोट बाइक को ढूंढने निकलते हैं। बहुत देर हो जाती है पर फिर भी उन्हें रोबोट बाइक नहीं मिलती और वो थक कर एक जगह बैठ जाते हैं और सोचते रहते हैं कि आखिर वो रोबोट बाइक कहाँ गई। तभी वहाँ पर एक साधु बाबा आते हैं और उनसे कहते हैं, बेटा तुम्हारी परेशानी का कारण इस जंगल का एक शैतानी साया है, वही तुम्हारे बाइक में समा गया है और तबाही मचा रहा है। ये बात सुनकर विकास उन्हें पूछता है, तो फिर बाबा आप ही बताइए, अब हम क्या करें, कैसे उस रोबोट बाइक को तबाही मचाने से रोके। बाबा उन्हें एक मैजिकल मैंगो देते हुए कहते हैं, ये लो बेटा, ये एक मैजिकल मैंगो है, तुम इस मैंगो का इस्तेमाल करके एक और रोबोट बाइक बनाओ और उस शैतानी साई को रोको। ये सुनकर विकास और रोशन उस मैजिकल मैंगो को लेकर घर चले जाते हैं और कुछ ही दिनों में एक रोबोट बाइक बनाकर उसमें उस मैंगो की मैजिकल शक्तियां डाल देते हैं, जिससे वो एक मैजिकल जायंट मैंगो बाइक रोबोट बन जाती है। फिर वो दोनों ही उस मैजिकल जायंट मैंगो बाइक से
जंगल में उस शैतानी रोबोट को ढूंढने जाते हैं और आखिरकार उनका आमना सामना हो ही जाता है। शैतानी रोबोट पहले तो उन पर वार करता है, जिस वजह से विकास और रोशन का मैजिकल जायंट मैंगो रोबोट नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर से उठकर वो मैजिकल जायंट मैंगो रोबोट उस शैतानी रोबोट पर वार करने लगता है। वो कभी अपने अंदर से आग निकालता है तो कभी गोलियां बरसाता है। इस तरह से दोनों रोबोट के बीच लड़ाई चालू रहती है कि तभी मैजिकल जायंट मैंगो रोबोट अपनी मैंगो गन निकालता है और उस शैतानी रोबोट पर जादुई मैंगो फायरिंग करने लगता है। देखते ही देखते वो शैतानी साया उस रोबोट को छोड़कर फिर से नीचे जमीन में चला जाता है और रोशन को उसकी रोबोट बाइक वापस मिल जाती है। मैजिकल जायंट मैंगो बाइक रोबोट। रोशन अपनी बाइक से जंगल के रास्ते से शहर जा रहा था कि बीच में ही एक पत्थर से वो टकराते हुए बाइक से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसकी बाइक का बहुत नुकसान हो जाता है। ये देखकर वो कहता है, अरे ये पत्थर बीच रास्ते में कहां से आ गया? कितना नुकसान हो गया मेरा अब। रोशन उस पत्थर को दूसरी जगह उठाकर रखने के लिए उसे हिलाने लगता है। वो पत्थर बाजू हटाकर अपनी टूटी हुई बाइक लेकर रोशन अपने इंजीनियर दोस्त विकास के पास जाता है। लेकिन उधर पत्थर हटाने के बाद वहां पर जो गड्ढा बनता है उसमें से एक शैतान बाहर निकलता है और वो उसी गांव के अंदर आता है जहां रोशन जाता है। रोशन अपने दोस्त विकास के पास जाकर बाइक कैसे टूटी ये बताता है। तब विकास कहता है, ठीक है रोशन, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे बाइक को पूरी तरह से अच्छे से रिपेयर करता हूँ और जब तुम इसे वापस लेने आओगे तब देखना तुम भी चौंक जाओगे। ऐसा कहकर विकास रोशन की बाइक को रिपेयर करने लगता है और उसमें नए फीचर्स डालकर उसे नया बाइक रोबोट बनाता है। दूसरे दिन जब रोशन अपनी बाइक लेने आता है तब विकास उसे उसकी रोबोट बाइक दिखाता है और उसे एक रोबोट को ऑपरेट करने वाला रिमोट भी देता है। ये देखकर रोशन कहता है, अरे वाह विकास, तूने तो सच में चमत्कार कर दिया, इस बाइक से तो मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। रोशन अपनी बाइक को लेकर घर चला जाता है। रात का समय होता है, सभी गांव वाले गहरी नींद में होते हैं कि तभी वो शैतानी साया रोशन के रोबोट बाइक में समा जाता है और बिना रिमोट के ही वो बाइक रोबोट में बदल जाती है और गांव में तबाही मचाने लगती है। तभी इस तबाही की आवाज सुनकर लोग जाग जाते हैं और देखते हैं कि रोशन की वो बाइक रोबोट घरों को तोड़ रही है। सारे लोग रोशन के घर जाते हैं और उसे आवाज देने लगते हैं। आवाज सुनकर रोशन बाहर आता है और कहता है, अरे क्या बात है, क्या तुम गांव वालों को नींद नहीं आ रही है क्या? कम से कम मुझे तो सोने दो। ये बात सुनकर एक गांव वाला कहता है, अरे बेवकूफ, जरा अपनी आंखें खोलो और देखो तुम्हारे रोबोट ने क्या तबाही मचा रखी है गांव में। ये बात सुनकर रोशन चौंक जाता है और अपने घर में बाइक को ढूंढने लगता है, लेकिन बाइक वहां पर नहीं रहती। तब वो घर के बाहर आकर देखता है तो गांव में तबाही मचा रही रोबोट बाइक उसी की रहती है। उसको यकीन हो जाता है कि गांव वाले सच कह रहे हैं और वो सोचता है, अरे लेकिन ऐसे कैसे, ये मेरी रोबोट बाइक बिना रिमोट के चल रही है। पूरे गांव में तबाही मचाने के बाद वो रोबोट बाइक जंगल के तरफ चली जाती है। दूसरे दिन वो अपने दोस्त विकास के पास फिर से जाता है और उसे सारी बात बताता है। तब उसके ध्यान में आता है और विकास कहता है, अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, फिर भी ठीक है, चलो उस रोबोट के पीछे अभी निकलते हैं। ऐसा कहकर विकास और रोशन दोनों मिलकर जंगल अपनी रोबोट बाइक को ढूंढने निकलते हैं। बहुत देर हो जाती है पर फिर भी उन्हें रोबोट बाइक नहीं मिलती और वो थक कर एक जगह बैठ जाते हैं और सोचते रहते हैं कि आखिर वो रोबोट बाइक कहाँ गई।
तभी वहाँ पर एक साधु बाबा आते हैं और उनसे कहते हैं, बेटा तुम्हारी परेशानी का कारण इस जंगल का एक शैतानी साया है, वही तुम्हारे बाइक में समा गया है और तबाही मचा रहा है। ये बात सुनकर विकास उन्हें पूछता है, तो फिर बाबा आप ही बताइए, अब हम क्या करें, कैसे उस रोबोट बाइक को तबाही मचाने से रोके। बाबा उन्हें एक मैजिकल मैंगो देते हुए कहते हैं, ये लो बेटा, ये एक मैजिकल मैंगो है, तुम इस मैंगो का इस्तेमाल करके एक और रोबोट बाइक बनाओ और उस शैतानी साय को रोको। ये सुनकर विकास और रोशन उस मैजिकल मैंगो को लेकर घर चले जाते हैं और कुछ ही दिनों में एक रोबोट बाइक बनाकर उसमें उस मैंगो की मैजिकल शक्तियां डाल देते हैं, जिससे वो एक मैजिकल जायंट मैंगो बाइक रोबोट बन जाती है। फिर वो दोनों ही उस मैजिकल जायंट मैंगो बाइक से जंगल में उस शैतानी रोबोट को ढूंढने जाते हैं और आखिरकार उनका आमना सामना हो ही जाता है। शैतानी रोबोट पहले तो उन पर वार करता है, जिस वजह से विकास और रोशन का मैजिकल जायंट मैंगो रोबोट नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर से उठकर वो मैजिकल जायंट मैंगो रोबोट उस शैतानी रोबोट पर वार करने लगता है। वो कभी अपने अंदर से आग निकालता है तो कभी गोलियां बरसाता है। इस तरह से दोनों रोबोट के बीच लड़ाई चालू रहती है कि तभी मैजिकल जायंट मैंगो रोबोट अपनी मैंगो गन निकालता है और उस शैतानी रोबोट पर जादुई मैंगो फायरिंग करने लगता है। देखते ही देखते वो शैतानी साया उस रोबोट को छोड़कर फिर से नीचे जमीन में चला जाता है और रोशन को उसकी रोबोट बाइक वापस मिल जाती है।